मुझे घर का कौन सा काम करना नहीं पसंद नहीं पसंद है है? घर का कौन सा काम ऐसा है जो मुझे नहीं पसंद? आपको? नहीं पसंद है तो शायद वो होगा अपना रूम ठीक करना। नहीं, वो तो मुझे अच्छा लगता अच्छा लगता है। है। अब ये क्या हो सकता है? तो झाड़ू पोछा। चलेगा वो। हिंट दी अच्छा मैंने चलता आपको, है। हिंट ओके दी मैंने आपको, हिंट भी दी मैंने आपको, अभी अभी भी दे रहा हूँ। क्या जीना। हिंदी? ये एक आपका वीडियो थोड़ा अटक रहा फुल कनेक्शन है। है। अच्छा बताइए। हाँ, हिंट क्या दिया? हिंट नहीं मिला मुझे यार, चीटिंग अच्छा चलो, गई। कपड़े धोना। कपड़े सॉरी, कपड़े हाँ कपड़े धोना, धोना नहीं सुखाना। कपड़े सुखाना। अरे कपड़े सुखाने में क्या है यार, आधा कपड़े तो वॉशिंग मशीन ही सुखा देता है आजकल। लेकिन बाहर तो टांगने पड़ते हैं ना। हाँ वो भी है। राइट राइट, तो ठीक है मैं इसमें हार गया। चलो मुझे इसमें 0 पॉइंट्स मिलते हैं। अब मेरी ठीक बारी। घर का काम करना, कौन सा काम करना मुझे नहीं पसंद? आपको आपके रूम क्लीन करना नहीं पसंद? नहीं रोटी बनाना नहीं पसंद? खाना नहीं बनाना? कुछ तो नहीं अच्छा, ओके चलो, आप हिंदू। मैं आप हिंदू हिंदू तो सही कहूं तो स्लाइडिंग साफ करना। हाँ, मिरर पोछना होता है, स्लाइडिंग विंडो साफ करनी होती है, तो मुझे थोड़ा कम पसंद होता है, लेकिन कभी कभी कर लेता हूँ। गुड ओके सो गुड, पॉइंट मुझे मिले कि जी, नहीं मिले? मैं आप बताइए, आप बताऊँ? बताइए। फैन से पूछता है पॉइंट्स मिले कि नहीं। पॉइंट्स मिलने चाहिए या देश की जनता जनता जानना चाहती, देश की जनता नहीं? जानना चाहती। मुझे पॉइंट्स मिलने चाहिए या नहीं? 10 पॉइंट? अरे 10 पॉइंट्स क्या? नो एक यस यस नो मिले मिले। ओके मिलने चाहिए। तो इंस्टाग्राम कोर्ट ने आपको पॉइंट्स दे दिए हैं और आपको 10 पॉइंट्स मिलते हैं। मैं अभी भी 5 पॉइंट्स पे हूँ, तो देखते हैं अभी धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट इज आपकी बारी। ये शायद आपको बिल्कुल नहीं पता है, समथिंग दैट इरिटेट्स और एंगर्स मी। मुझे किस चीज से गुस्सा आता अब ये तो और क्वेश्चन है, कोई सब्जेक्ट है स्टडी में? है? सब्जेक्ट बारे में कुछ नहीं है, पढ़ाई तो मेरी साइड, खेल कूद के बारे में, पढ़ाई नहीं करते, किसमें? खेलकूद बड़ा खेल कूद के बारे में, गेम्स के बारे में? के बारे में। आपको अब ऑडियंस क्या लगता है? वही ऑडियंस को पूछता हूं मैं। लाइफलाइन आई थिंक फोटोज खींचना। फोटोज खींचना, वो हाँ तो लूडो में हारना, समवन इज सेइंग लूडो में हारना। नहीं, लूडो में चलेगा नहीं हर ओके पार्टिसिपेशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन विन और लूज। ओके क्रिकेट में आउट क्रिकेट हो जाना। रिलेटेड है। इसने लिखा सोनाली जी ने क्रिकेट लिखा है, क्रिकेट
से कुछ रिलेटेड है. अच्छा क्रिकेट से रिलेटेड है, तो क्रिकेट में फील्डिंग करना. नहीं अरे तो बहुत क्लोज हो आप. बॉलिंग या बैटिंग? बहुत क्लोज हो. अरे नहीं, कोई ओपोनेंट कुछ करता है तो दैट इंटरेस्ट्स मी. इंडिया हार जाए तो? नहीं, खेलते वक्त मैं खुद खेलू तब. अच्छा तब आउट हो जाना. नहीं कुछ कैच मिस हो जाना. बहुत क्लोज थे. अरे यार क्लोज है, क्लोज है यार. चलो आप बहुत क्लोज. मैं आंसर बता दूं अब? रन आउट बता दूं? नहीं नहीं नहीं, रन आउट. यूजुअली क्या होता है मैं बता देता हूँ. यूजुअली ऐसा होता है कि अगर कभी भी मैं मेरे बिल्डिंग फ्रेंड्स के साथ क्रिकेट खेल रहा हूँ और अगर मेरी बॉल से वो आउट हो जाते हैं ना, तो नो बॉल ना भी हो ना, बोलेंगे नो बॉल, सब लोग चिल्लाने लग जाते हैं नो बॉल नो बॉल नो बॉल. अरे भाई क्या आउट है, तो टी के ऊपर बॉल तो नो बॉल. बाकी इंटरनेशनल क्रिकेट अगर पेस के ऊपर बॉल होता है तो नो बॉल होता है, लेकिन वो लोग मानते ही नहीं तो मैं जरा इरिटेट हो जाता हूँ. पर गली क्रिकेट के रूल्स ही अलग होते हैं. गली क्रिकेट और इंटरनेशनल क्रिकेट मैच का रूल्स मैच ही नहीं कर सकते हो. क्या वो मेन इम्पोर्टेंट है ना, फिर भी नो बॉल नो बॉल. अगर हाँ, तो भाई देखो देखो वंश की वंश के सोसाइटी में से फ्रेंड सर्कल में से जो भी ये सुन रहा है सुन ले, वंश को नो बॉल बोलना पसंद नहीं है, तो आप कृपा करके नो बॉल ना बोले. थैंक यू मेरी साइड लेने के लिए. यस गुड, तो मैंने आपकी साइड ली तो मुझे 5 पॉइंट मिलने चाहिए. ओके तो अब मिल गए मुझे 10 पॉइंट और आपके हैं 10 पॉइंट. अब थर्ड क्वेश्चन मैं आपको पूछता हूँ. Something that irritates me or angers me, जिससे मुझे गुस्सा आता, ऐसी कौन सी चीज? आपको टिकटॉक बनाना नहीं पसंद, अगर आपको टिकटॉक बनाने को बोलेंगे तो जरा इरिटेट. वाह वाह, सही पकड़ा बच्चे ने. 15 पॉइंट गुड. हाँ मतलब इरिटेट नहीं होता हूँ, बट एक है ऐसा सोशल मीडिया अकाउंट, सोशल मीडिया नेटवर्क ऐसा है जो मुझे नहीं पसंद और ना ही मेरा अकाउंट है उस पर, लेकिन इट्स फाइन गुड, पहचान लिया, अच्छे से जानते हो. मैं तो आपकी मैं आपकी सोसाइटी में आया नहीं हूँ कभी, तो मुझे पता नहीं था. आप है सेट पे रहते हैं हमारे साथ, तो आपको पता है भाई साहब. गुड गुड, सो अभी सो आपको मिलते हैं 15 पॉइंट्स और मेरे हैं 10 पॉइंट्स. फाइन. हेलो शारदा भोला, नमस्कार. पिंकी जैन जी नमस्कार. बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं हमारे साथ बातें करने के लिए और अच्छा लग रहा है आप हमारे साथ इस गेम में जुड़े हैं. आपको भी मजा आ रहा होगा, आप भी हमें सजेशंस देते रहिए नीचे और कैसे इस गेम को इंटरेक्टिव बनाएं, कैसे एंजॉय करें. और तो आपकी बारी, 14 क्वेश्चन पूछिए, ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर. मुझे नहीं लगता आप में कोई बैड हैबिट हो या फिर ऐसी कोई चीज नहीं. ऑडियंस एनी गेसेस? नेल बाइटिंग? नहीं, नेल कटर से कट. बदमाशी? किसी को परेशान करना? नहीं, परेशान तो नहीं करता, वही तो कह रहा हूँ मैं, आप कुछ ऐसा है ही नहीं. एक चीज है जो मेरी मम्मी को नहीं पसंद है. अच्छा मम्मी को नहीं पसंद है? ओके. मैंने उसको जादू बना दिया है एज माय जादू. टिकटॉक में बहुत बार डाला है, टिकटॉक में मैंने 2 बार डाला है. इफ एनीवन कैन गेस रॉन्ग एक्शन जो है. Late sleeping. Prank करना कोई मम्मी को? Prank करना मम्मी को, मस्ती करना? नहीं. Mm-hmm.
पता है गेम्स खेलना फोन पे नहीं सबको पता है, सबको पता है कि मेरी ये मेरी हैबिट सबको पता है। गोकू सुतली जेंटी जेंटी खुशी दीदी सबको पता है। इनकी भी हेल्प ले लो। मैं चाहता हूँ कि कोई भी यहाँ पे हो कृपा करके मेरी मदद करे। एक किसी ने डाला है, किसी ने डाला है, किसी ने परफेक्ट डाला है, रावण करके कोई है, आप उनकी कमेंट ढूंढ के रीड कीजिए। क्या नाम है? रावण r.a.a.v.a.n ये की वीडियो वाला टिकटॉक काम खींचना काम दिखा दू तो ये जादू है, ये तो नहीं होता। मैंने तो हेडफोन्स पहने इसलिए नहीं हो रहा अभी, पर मेरा नहीं होता है। हमारे वंश सयानी के पास जादू है जो आप देख सकते हैं, अपने कान वो बंद कर सकते हैं। कोई इंसान कान बंद नहीं कर सकता धरती पर, लेकिन ये आदमी कर सकता है अपने कान बंद। बहुत बढ़िया, कर सकते हैं। वाह गुड। हेलो काव्या, हेलो आयशा, हेलो हेलो खुशबू, काल खींचना काल खींचो। हेलो दिव्यांशु, नमस्कार। जम्मू में 2G चल रहा है? जी हाँ, जम्मू में थोड़ा नेटवर्क वीक है और लोगों को परेशानी भी हो रही है, लेकिन जल्दी जल्दी वहां पे होगा, बिल्डअप होगा, डेवलपमेंट होगा और वहां पे भी आ जाएगा 4G, वहां पे 5G आ जाएगा। यस नाउ अब मेरी बारी। वन बैड हैबिट दैट आई वांट टू चेंज अबाउट माई सेल्फ। कौन सी आपकी बैड हैबिट? ऑडियंस में प्लीज मुझे मुझे एक क्वेश्चन में शायद हारने वाला हूँ, पता नहीं, बताइए। इजी जवाब है, इजी जवाब है। हिंट क्या? मोबाइल में मूवी, मोबाइल में मूवी नेल बाइटिंग? ना ना लेट तक सोना? ना भाई, मैं तो सुबह 6 बजे उठता हूँ, लॉकडाउन में भी और शूटिंग के दौरान भी। मैं हिंट भी दे रहा हूँ। अरे यार ये हिंट के मैंने आपको हिंट दी थी अभी ना मैंने। नहीं क्या है? क्या अरना क्या? अरे प्लीज मदद कीजिए। कोई नहीं अरना, कोई अकेले में बैठ, अकेले में बैठ, कोई नहीं के, हाँ हाँ हाँ, कोई नहीं करना, नहीं कोई नहीं, कोई नहीं, हाँ कोई नहीं, क्या कोई नहीं, कोई नहीं। नहीं देखो ऐसा क्या है, उसमें क्या है, कोई नहीं, कोई बैड हैबिट नहीं है, क्योंकि जैसे ही थोड़ी बैड हैबिट आने जाती है तो मम्मी पापा ठीक कर देते हैं। गाड़ी सर्विस में चली जाती है और गाड़ी सर्विस होके आ जाती है। तो यहाँ पे कोई भी बैड हैबिट का अकाउंट ही नहीं खुला है। यस बताइए पॉइंट मिला कि नहीं मुझे? आपको पॉइंट कैसे मिलेगा, मैंने इतनी सारी हिंट दी। अरे मैंने पहले ही बोला था कोई नहीं है, कोई नहीं। आपने हाँ भी बोला, कोई नहीं, आपने हाँ भी बोला। ओके ठीक है, चलो डन। तो अभी कितने पॉइंट हुए? 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन हुए राइट? तो 4 क्वेश्चन के आपको 20 पॉइंट, मेरे हुए 15 पॉइंट। डन ओके तो अब आगे बढ़ते हैं, आपका नेक्स्ट सवाल। घर में सबसे ज्यादा मैं क्लोज किससे हूँ?
अपनी मम्मी से ऑफ कोर्स ये बात ये वैसे नहीं मॉम के साथ क्योंकि आप सेट पे मॉम के साथ आते हैं मॉम आपके साथ पूरा दिन रहती है तो कहीं ना कहीं बॉन्डिंग बन जाता है और ऑफ कोर्स जो बॉयज होते हैं उनको मॉम फेवरेबल होती है जो गर्ल्स होती है उनको फादर फेवरेबल होते हैं तो हो जाता है दोनों का गुड अब मेरी बारी घर में सबसे ज्यादा मुझे किससे प्यार है तो मेरे सबसे ज्यादा क्लोज कौन है ऑब्वियसली आपकी मम्मी ना दोनों आपके मम्मी पापा दोनों हाँ आपके पापा नहीं आप बताओ मैं थोड़ी करूंगा फाइनल एक आंसर बताओ आपकी मम्मी ना आपके मम्मी पापा दोनों हाँ हाँ दोनों मैंने पहले तो नहीं अरे वो तो ऐसे ही थोड़ी हो एमसीक्यू थोड़ी चल रहे हैं कि ऑप्शन देते जाना है एक ही आंसर देता है ना हाँ तो इसमें आपको पॉइंट नहीं मिलेगा ये देखिए एक भाई है हमारे साथ जो बांग्लादेश से जुड़े हैं नमस्कार नमस्कार निलॉय जी यस बोथ मॉम एंड डैड डी थ्री परिवार है तो तीनों एक दूसरे से उतना ही प्यार करते हैं मैं दोनों से ही क्लोज हूँ दोनों मुझसे क्लोज हैं और तीनों का चलता रहता है मस्ती मजाक थोड़ी फाइटिंग वाइटिंग चलती रहती है गुड सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं पॉइंट मिला कि नहीं मुझे पॉइंट तो अभी हुए दोनों के 20 पॉइंट ओके यस गुड अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ मेरा फेवरेट फूड Favorite food. I think I know this. मम्मी के हाथ का खाना हाँ मम्मी के हाथ का खाना लेकिन क्या अच्छा क्या ओके मम्मी अच्छा बनाती है ऐसा अभी तो 6 महीने हुए यार मुझे कैसे पता चलेगा उतना सब लेट मी थिंक अब मैंने सब बताया मेरे बारे में आपको आपने मेरे को अपने बारे में कुछ नहीं बताया तो यहाँ पे एक और चीज गुजर रही है क्या मैंने बताया था सिर्फ वो नोबल वाला था ना वो नहीं बताया था हाँ फूड का बताया है फूड का बताया फूड बताया केक मम्मी के हाथ की केक केक मतलब ओके ओके लेकिन बता दू हाँ बता दो चलो रोटी सब्जी मम्मी के हाथ का तो वही बनता है ना यार और क्या बनता है मम्मी कितना कुछ बना सकती है रोटी सब्जी केक पानी पूरी मम्मी ने बहुत कुछ बनाया है अरे बेसिक तो वही होता है ना मम्मी के हाथ का खाना बोलो तो रोटी सब्जी आएगी ना सबसे पहले तो फिर वो तो अलग अलग चीजें होटल का भी मुझे अच्छा लगता है लेकिन ज्यादा मम्मी के हाथ का होटल में रोटी सब्जी खाने कौन जाता है